वेलकम टू वीएल मेमोरियल स्कूल। दिस चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, सो क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई शैल टीच यू द इंग्लिश फर्स्ट ऑफ क्लास सिक्स। There is a very good story. I will start from a story which is in your book. You will get the book and then again you read it and you will find this is a very good story. This is taken from the book of Munshi Premchand, Panchatantra. The name of the story is Panchatantra. The girls who married a snake. एक लड़की जिसने सांप से शादी किया, कहानी का नाम है एक लड़की जिसने एक सर्प से विवाह किया। Once upon a time there lived a Brahman and his wife in a village. एक बार की बात है, एक ब्राह्मण और एक उसकी पत्नी, ये दोनों एक गांव में रहते थे। But they were sad because they had no children. वे बड़े दुखी थे क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं था। They prayed to God daily, वह भगवान का प्रतिदिन प्रार्थना करते थे। And went to temple in the hope, और इस आशा में वो मंदिर को जाते थे that one day God will bless them with a child, कि किसी दिन ईश्वर उनको आशीर्वाद देंगे बच्चे के लिए। After many years, कई वर्षों बाद God blessed them with a child, भगवान ने उनको एक बच्चे का आशीर्वाद दिया। द ब्राह्मण वाइफ गेव बर्थ ए बेबी, ब्राह्मण की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बट ऑल वेयर शॉक्ड टू सी, लेकिन ये देख करके सभी लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ कि द बेबी, बिकॉज इट वॉज नॉट ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, क्योंकि यह एक मनुष्य का शरीर नहीं था बल्कि यह एक सांप का बच्चा था। एवरीबडी इन द विलेज, सभी लोग गांव के एडवाइस देम टू गेट रिड ऑफ द स्नैक एज सून एज पॉसिबल, सभी लोगों ने गांव के उनको एक राय दिया कि जितने जल्दी हो सके इस स्नैक से, इस सर्प से छुटकारा पा लें, अदरवाइज इट मे बी क्रिएटिव प्रॉब्लम इन फ्यूचर, अदरवाइज यह भविष्य में आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। द ब्राह्मिन्स वाइफ was first not to leave it and she refused to listen to any person. ब्राह्मण की पत्नी ने किसी भी कीमत पर उसको छोड़ने को तैयार नहीं हुई और उसने किसी की बात को सुनने से इनकार कर दिया। She loved the snake as her son and did not care that her baby was a snake. उसने अपने बच्चे को उसी प्रकार से प्यार किया जैसे एक अपने बच्चे को करता है। She took care the snake with love and care. वह उस सर्प का पूरा उसको प्यार करती थी, उसको प्रेम करती थी और उसका देखभाल करती थी। As we know, जैसा कि हम जानते हैं, very well, अच्छी तरह से जिसको हम जानते हैं, that everybody is dear to the mother, कि सभी लोग अपनी माँ को प्यारे होते हैं। It does not matter how it look. इससे ये कोई मतलब नहीं होता कि वह कैसा दिख रहा है। माँ को सभी बच्चे प्यारे होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता वो बच्चा कैसा दिख रहा है। बट द वे सी फेड हिम विद द बेस्ट फूड, और इस तरह से उसको एक अच्छा खाना वो खिलाती थी। सी अरेंज्ड ए कंफर्टेबल बेड इन ए ब्यूटीफुल बॉक्स, और एक सुंदर बक्से में उसके लिए बिस्तर लगाती थी एंड मेड हिम स्लीप ऑन इट, जिससे कि वह उस पर आसानी से सो सके, आराम से सो सके। टाइम पास्ट, समय गुजरता गया एंड द स्नेक ग्रू अप, और वह सांप बड़ा हो गया। हिज मदर लव्ड हिज एज यूजुअल, उसकी माँ तब भी उसको उतना ही प्रेम करती रही। वंस देयर वाज ए वेडिंग इन नेबरहुड, एक बार उनके पड़ोस में एक विवाह का कार्यक्रम था। द ब्राह्मिन्स वाइफ बिगेन थिंकिंग ऑफ गेटिंग हर सन मैरिड,
ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पुत्र के विवाह के बारे में भी सोचने लगी। बट द बिग क्वेश्चन वॉज दैट विच गर्ल वुड लाइक टू मैरी द स्नेक। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कौन सी लड़की सर्प से शादी करेगी। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह लगभग असंभव था। शी हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसको भगवान पे पूरा भरोसा था। दैट शी वुड डेफिनेटली गेट ए गुड मैच फॉर द सन, फॉर हर सन, क्योंकि एक दिन उसकी लड़के की जो सर्प था उसकी मैचिंग का कोई लड़की जरूर मिलेगी। वन डे व्हेन द ब्राह्मण रिटर्न होम इन द इवनिंग, एक दिन जब वो ब्राह्मण शाम को घर आया, ही सा हिज वाइफ वीपिंग, उसने अपनी पत्नी को रोते हुए देखा। ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाई आर यू वीपिंग, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। शी डिड नॉट आंसर बट केप्ट ऑन वीपिंग, वह कोई उत्तर नहीं दी और रोती रही। द ब्राह्मण आस्क्ड अगेन, ब्राह्मण ने फिर पूछा, एक्सप्लेन मी व्हाट ट्रबल यू सो मच दैट यू आर वीपिंग बिटरली, तुम मुझे वो समस्या बताओ जिसकी तरह से तुम फूट फूट कर रो रही हो। देन शी सेड, तब उसने कहा, आई नो यू डू नॉट लाइक माई सन, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बच्चे को पसंद नहीं करते हैं। यू आर नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट इन अवर सन, आप हमारे बच्चों में कोई रुचि नहीं रखते हैं। ही हैज ग्रोन अप, अब वह बड़ा हो गया है। वाई डोंट यू इवन थिंक टू गेट हिम मैरिड, अब आप उसके विवाह के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। हियरिंग इट, ऐसा सुनकर द ब्राह्मण वॉज शॉक्ड, ब्राह्मण आश्चर्य पड़ गया। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, ब्राइड, दुल्हन, फॉर अवर स्नैक सन, डेड यू थिंक एनी गर्ल वुड मैरी टू स्नैक नोविनली, क्या जान बूझ कर कोई आपके सर्प पुत्र से विवाह करेगी। द ब्राह्मण वाइफ डिड नॉट रिएक्ट ऑन इट, ब्राह्मण की पत्नी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। बट सी रिमेन्ड क्राइंग, लेकिन वह फिर भी रोती रही, चिल्लाती रही। ऑन सीइंग हर वीपिंग कंटिन्यू, उस अपनी पत्नी को लगातार रोते हुए देख करके द ब्राह्मण डिसाइडेड टू सर्च ए ब्राइड फॉर हिज सन, उसके ब्राह्मण ने अपने पुत्र के लिए किसी दुल्हन को खोजने का निर्णय लिया। ही ट्रेवल्ड टू मेनी प्लेसेस, वह कई जगहों पर गया, बट फाउंड नो गर्ल हु वॉज रेडी टू मैरी ए स्नेक, लेकिन कोई भी लड़की ऐसी नहीं मिली जो एक सर्प से विवाह कर सके। एट लास्ट ही रीच्ड इन ए बिग सिटी, अंत में वह एक बड़े शहर में गया, वेयर वन ऑफ हिज फ्रेंड लिव्ड, जहाँ उसका एक बहुत प्रिय मित्र रहता था। बोथ द फ्रेंड्स वेर हैप्पी टू सी ईच अदर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद मिलने पर वो दोनों दोस्त बहुत प्रसन्न हुए। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, बातचीत में के दौरान द फ्रेंड आस्क्ड, दोस्त ने पूछा, ब्राह्मण व्हाई ही वॉज ट्रेवलिंग प्लेस टू प्लेस, तब उसके दोस्त ने पूछा, आप एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा क्यों कर रहे हैं। ब्राह्मण रिप्लाइड, ब्राह्मण ने उत्तर दिया, आई एम लुकिंग फॉर ए ब्राइड फॉर माई सन, मैं एक दुल्हन की तलाश कर रहा हूँ अपने पुत्र के लिए। हिज फ्रेंड इन फैक्ट डिड नॉट नो दैट हिज फ्रेंड सन इन डेली ए स्नेक, उसका दोस्त ये नहीं जानता था कि उसका पुत्र वास्तव में एक सर्प है। द फ्रेंड टोल्ड हिम नॉट टू गो एनी अदर प्लेस एंड प्रोमिस टू गेट हिज डॉटर मैरिड विथ ए ब्राह्मण सन, उसका दोस्त ये नहीं जानता था कि उसका लड़का एक सर्प है, इसलिए उसके दोस्त ने उसको बताया कि आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी लड़की का विवाह आपके पुत्र से कर दूंगा। द ब्राह्मण वॉज सरप्राइज्ड, ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ, एंड सेड, और कहा, आई फील इट वुड बी बेटर यू मस्ट सी माई सन बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, अच्छा होगा कि कोई भी निर्णय लेने से पहले आप मेरे पुत्र को एक बार देख लें। हिज फ्रेंड रिफ्यूज सेइंग दैट ही न्यू हिम एंड हिज फैमिली वेरी वेल एंड हैड फेथ इन हिज सन, उसके मित्र ने ये कहते हुए उसको इनकार कर दिया कि मैं आपके परिवार को और आपके बच्चों पर बहुत अधिक विश्वास करता हूँ। सो इट वॉज नॉट नेसेसरी टू सी द बॉय, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि मैं उस लड़के को देखूँ। ही सेंट हिज डॉटर विद द ब्राह्मण, उसने ब्राह्मण के साथ अपनी लड़की को भेज दिया। सो दैट
ही माइट गेट हिज सन मैरिड विद द गर्ल, इसलिए कि उसकी लड़की का विवाह उस उनके पुत्र से हो सके। द ब्राह्मिन्स वाइफ वॉज हैप्पी टू नो हिज एंड क्विकली स्टार्टेड मेकिंग द प्रिपेरेशंस फॉर द मैरिज। ब्राह्मण की पत्नी बहुत खुश हुई और उसने बहुत जल्दी से इनकी विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। व्हेन द विलेजर्स न्यू अबाउट दिस, जब गांव वाले इस विषय में जाने इस बारे में जाने, द रेस टू द गर्ल एंड एडवाइज, वह लड़की के पास गए और उसको राय दिए हर नॉट टू मैरी द ब्राह्मण सन, कि ब्राह्मण के पुत्र से तुम विवाह मत करो, बिकॉज हिज सन इज इन फैक्ट ए स्नेक, क्योंकि उसका पुत्र एक सर्प है। बट द गर्ल रिफ्यूज टू हियर एनीथिंग बिकॉज हर फादर वर्ड वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया क्योंकि उसके पिता के जो वचन थे वह किसी और से ज्यादा महत्व नहीं रखते थे। एट लास्ट द मैरिज बिटवीन द स्नेक एंड गर्ल टुक प्लेस, अंत में उस सर्प का और उस लड़की का विवाह हो गया। द गर्ल स्टार्टेड लिविंग विथ हर हस्बैंड, लड़की अपने पति के साथ रहने लगी। ए स्नेक जो एक सर्प था, सी प्रूव टू बी डिवोटेड वाइफ, उसने सिद्ध किया कि वह एक समर्पित पत्नी है। एंड लुक्ड आफ्टर द स्नेक लाइक ए गुड इंडियन वाइफ, और एक भारतीय पत्नी की तरह से उसके प्रति वह संवेदना रखने लगी। द स्नेक स्लेप्ट इन हिज बॉक्स एट नाइट, रात में वह सांप जिस बक्से में सोता था उसमें सो गया। वन नाइट, एक रात, व्हेन द गर्ल वॉज रेडी टू स्लीप, जब वह लड़की सोने जा रही थी, शी सडनली सॉ ए हैंडसम यंग मैन इन द रूम, उसने अचानक एक सुंदर मनुष्य को अपने कमरे में देखा। शी वॉज फ्राइटेंड, वह डर गई, एंड विश टू रन आउट, और बाहर भागना चाहा। द रूम फॉर हेल्प, कमरे से सहायता के लिए वो बाहर भागना चाहा। बट द यंग मैन स्टॉप्ड हर, लेकिन उस यंग मैन ने, उस नौजवान आदमी ने उसको रोका एंड सेड, और कहा, डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत। डू यू नॉट रिकग्नाइज मी, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? आई एम योर हस्बैंड, मैं तुम्हारा पति हूँ। द गर्ल डिड नॉट बिलीव हिम, लड़की ने इस पर विश्वास नहीं किया। द यंग मैन सोल्ड हिमसेल्फ बाय रिटर्निंग इन टू स्किन, और उस लड़के ने फिर वापस सर्प के अपने चमड़े में वापस जा कर के दिखाया। एंड आफ्टर ही केम आउट ऑफ इट वंस अगेन, और फिर उस पे से वापस एक मनुष्य बन करके सामने आया। इन द फॉर्म ऑफ यंग मैन, एक नौजवान व्यक्ति के रूप में फिर वापस आया। नोइंग द रियलिटी, वास्तविकता को जान करके, द गर्ल वॉज वेरी वेरी हैप्पी, वह लड़की बहुत ही प्रसन्न हुई। टू फाइंड हर हस्बैंड इन ए ह्यूमन फॉर्म, के मनुष्य के रूप में उसको देख करके बहुत ही प्रसन्न हुई। फ्रॉम दैट नाइट, उस रात, एवरी नाइट द यंग वुड कम आउट ऑफ द स्नेक स्किन, उस रात के बाद प्रतिदिन वह अपने सर्प के छाल को उतार करके आता था। ही यूज टू स्टे विथ हिज वाइफ बाय मॉर्निंग, और सुबह तक वह उसके साथ रहता था। एंड देन वुड रिटर्न बैक इन टू द स्नेक स्किन साइलेंटली, और फिर चुपके से वह दोबारा सर्प के रूप में चला जाता था। वन नाइट द ब्राह्मण हर्ड साउंड फ्रॉम हिज डॉटर्स इन लॉज रूम, एक दिन उस ब्राह्मण ने अपने बहू के कमरे से कुछ आवाजें सुनी। ही टोल्ड टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, दे केप्ट वॉच एंड वन डे दे सॉ हिज सन, और उसने कहा कि आप जरा इस पे इसका निरीक्षण रखें, इसका ध्यान रखें, और एक दिन उसने अपने पुत्र को देख लिया। द स्नेक टर्निंग इन टू यंग मैन, कि जब वो सांप एक यंग मैन के रूप में, नौजवान व्यक्ति के रूप में जब वो टर्न हो रहा था, बदल रहा था, तो उसने देख लिया। द ब्राह्मण थॉट ए प्लान, ब्राह्मण ने एक योजना सोचा। ही रश्ड इन टू द रूम, वह कमरे में दौड़ा, टेकिंग द स्नेक स्किन, उस स्नेक स्किन को, मानी कि जो सर्प की जो छाल थी, जो चमड़ा था, उसको लेने के लिए। ही थ्रू इट इन टू द फायर, और उसको उसने फिर आग में फेंक दिया। द यंग मैन सेड, उस नौजवान व्यक्ति ने कहा, थैंक यू वेरी मच फादर, पिताजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज ऑफ ए कर्स, एक श्राप की वजह से, आई हैड टू बी ए स्नेक,
मैं एक सर्प बन गया था एंड अंटिल समबडी विदाउट माई परमिशन और रोइन द स्नैक स्किन। और यह श्राप तभी मुक्त हो सकता था जब कोई मेरे इजाजत के बिना मेरे स्किन को बर्बाद कर दे, तभी मैं इस श्राप से मुक्त होता। टुडे यू हैव डन इट, आज आपने कार्य कर दिया। आई एम नाउ फ्री फ्रॉम द कर्स, अब मैं इस श्राप से मुक्त हो चुका हूँ एंड कैन लिव लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अब मैं एक मानव शरीर के रूप में, मानव के रूप में अब मैं स्वतंत्र रूप से रह सकता हूँ। दस द यंग मैन कुड नेवर बिकम स्नेक, इसके बाद फिर वह नौजवान व्यक्ति कभी भी सांप नहीं बना एंड लिव्ड हैप्पीली विथ हिज वाइफ एंड पेरेंट्स फॉर एवर, और प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नी और अपने माता पिता के साथ रहने लगा। बच्चों ये कहानी आपने इंग्लिश में आपके फर्स्ट में है, और ये कहानी पंचतंत्र मुंशी प्रेमचंद की लिखी गई कहानियों का जो संग्रह है उसमें से लिया गया है, और निश्चित रूप में आपने यू हैव एंजॉयड इट। थैंक यू। अच्छी